बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, पूरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ होने लगा, बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही है। मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, जुल्म करके, तानाशाही करके लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही है, नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनौती दे रही है। तो वही दूसरी ओर विपक्षी दल के नेताओं के घर CBI ED समेत तमाम जांच एजेंसियां भी दस्तक दे रही है। बात बिहार से लालू परिवार की हो, या फिर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की हो, या आप झारखंड से हेमंत सोरेन की बात कर ले, और हालिया घटना दिल्ली की है जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी रात ईडी की कस्टडी में कटी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को गिरफ्तार किए गए संजय सिंह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। दिन भर छापेमारी और 10 घंटे से अधिक तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए संजय सिंह के लिए आने वाले समय काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। ईडी अदालत में पेश करने के बाद संजय सिंह की रिमांड मांगेगी और उनसे पूछताछ का नया सिलसिला शुरू कर देगी। मीडिया के कैमरों के सामने खुद को पाक साफ बताते रहे संजय सिंह को अब ईडी के सामने अपनी बेगुनाही को भी साबित करना होगा। आपको याद होगा इसी मामले में कुछ महीनों पहले अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। लगातार जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद उन्हें फिलहाल पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उन्हें जेल के सलाखों में डाल दिया गया है। और उसके बाद दूसरी और बड़ी गिरफ्तारी जो है वो संजय सिंह की हुई है। संजय सिंह से 10 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि ये सिलसिला देश भर में चल रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को समन भेजा गया था, उससे पहले ममता बनर्जी उनकी पार्टी के कई नेताओं को समन भेजा गया। बेशक बिहार के लालू प्रसाद यादव को राहत मिली हो, लेकिन ये राहत सिर्फ दिखावे की बताई जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, हेमंत सोरेन या फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हो, तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि सभी लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेस भी बड़ी भूमिका में है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी को भी डर लगने लगा है 2024 में हार का। यह आशंका जताई जा रही है कि अगर विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो गई तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में वापसी करना एक बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। और इसी लिहाज से चूंकि राजनीतिक तौर पर आरोप लग रहा है कि जब जब नरेंद्र मोदी की सरकार डरती है तो वो जांच एजेंसियों का सहारा लेती है, ऐसे में विपक्षी गोलबंदी को देखकर इस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर प्रहार किया जा रहा है जांच एजेंसियों के सहारे, ताकि विपक्षी गोलबंदी न हो और नरेंद्र मोदी के लिए 24 का चुनाव भी आसान हो जाए, जैसा अब तक होता आया है। चूंकि अब तक के चुनाव में विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी, और यही बड़ी वजह है जो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव जो है वो आसान हो जाता है, माहौल उनके पक्ष में बन जाता है। ये राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का भी मानना है। लेकिन कल देर शाम जैसे ही आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या और बाकी नेताओं की गिरफ्तारी होगी जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। क्योंकि जांच एजेंसियां कई बड़े नेताओं के घर पर लगातार छापेमारी कर रही है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, यहाँ भी पूछताछ की जा रही है। बेशक कल उन्हें राहत मिली, उनके परिवार के लोगों को राहत मिली हो, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी पार्टी के नेताओं के घर जिस प्रकार से नोटिस भेजा जा रहा है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री उनके और उनके पार्टी के नेताओं के घर जिस प्रकार से नोटिस भेजा जा रहा है, तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष को तोड़ने के लिए इस तरीके से साजिश की जा रही है। चूंकि अब राजनीतिक तौर पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही बता रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब विपक्ष को जांच एजेंसियों के सहारे तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लोग टूटने वालों में से नहीं है। लेकिन इस बीच राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रात भर ईडी दफ्तर में गुजारना पड़ा, आज उनकी पेशी जो है वो कोर्ट में हो सकती है। तो ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया और विजय नायर को भी गिरफ्तार किया गया था।
इस केस में आप से जुड़े व्यक्तियों की भी तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। तो गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो संदेश को मीडिया ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और झुकेंगे नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या संजय सिंह के लिए मनीष सिसोदिया जैसी मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर इन्हें राहत मिलेगी। आपकी क्या राय इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।